guys, welcome back with another new video. कौशल की ना आजगा सो आज का वीडियो क्या होने वाला है गाइस, सबको पता ही है, मेरा दोस्त आ गया है। जो भी मेरे पुराने और ओल्ड व्यूअर्स है उसको पता ही होगा, जो कैरेक्टर रोल्स जो लड़की का और लड़का का दोनों और एक्टिंग बहुत ही मस्त करता था, जो कि उसका नाम है प्रेम चोपड़ा, जो कि मैं बुलाता हूँ और आप लोग का प्यार से बुलाए प्रेम। तो हमारे प्रेम भैया आ चुके हैं यहाँ पे, अभी हम आपको दिखाएंगे बहुत ही कितने 2 महीने बाद आए हैं। One of the best acting skills he have and most popular in Jago. His name is Prem Chopra. मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी अभी प्यार दे रहे हैं रॉक लामा को, इसे देते रहिए। अभी मैं भी आ गया हूँ, देखेंगे अभी वीडियो और मस्त होने वाला है गाइस, और भी तगड़ा होने वाला है, थोड़ा संभाल के रहिए। सावन भाई जो कि मेरा स्कूल फ्रेंड्स है, प्रेम भाई आपको उड़ीसा में एक्सपीरियंस कैसा रहा? उड़ीसा में क्या बोले, उड़ीसा में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पे गाइस कोरोना बहुत था, ठीक है? तो मेरे को भी सब लोग चाइना बुला रहे थे, बोल रहे थे चाइना से आए, उधर जा, क्या करेंगे गाइस, इसीलिए मैं आ गया गाइस। मतलब इसीलिए तू मेरे लिए नहीं आया? मैं आया किसके लिए? मेरे लिए, रॉक भाई के लिए मैं आया हूँ, ठीक है गाइस, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा अब, ठीक है? इसको पॉपी दूंगा, ठीक है? एक गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं फिर से डांडा पे, और डांडा पे जाने के पहले हम सौरज मियाँ जो कि हमारे 3 दोस्त उधर ही पड़े हुए हैं, हम लोग उन लोग को उठाएंगे और उसके बाद जाएंगे। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जयगो का कुदरत, जो है बहुत ही अच्छा। फॉलो मी। सो गाइस कुदरत उससे भी अच्छा, कुदरत प्लीज बहुत दिखाएगा मेरे पीछे जगह का कुदरत, और ये है। जयगांव का रास्ता अगर चलेंगे तो नीचे देख के चलना गाइस, देखिए आप इतना गंदा, ये कोने कोने में गली गली में इतना गंदा है कि यार देखते ही घिन आता है, पता नहीं साफ कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ओके, जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अभी सूरज मियाँ के घर, और वहाँ पे नमस्ते दे, और यहाँ पे हमारा आंटी नहाई बोल दीजिए। हाय बेटा, रॉक बेटा, रॉक लामा चैनल को क्या करना है? थंगा बोलिए। जैसे कि हमारा दूसरा यहाँ पे चुस्ते, ये पूर्वा लामा, कहाँ है तो बेटा, कहाँ खाना खा रहा है, सौरज पता नहीं कहाँ। सौरज और वहाँ पे हमारा झांझी भाई, हाय बोल दीजिए। हाय। शाबाश। ये है जोना, वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर इन जयगांव। सौरज को रेडी होना, 5 घंटे लगता है उसको, पहले ही कॉल करना पड़ता है, सुबह ही कॉल करना पड़ता है 4 बजे घूमने के लिए, फिर उसको ही लेट होता है, कॉल आता रहता है घर से, उसका पापा उठ जाता है, फिर उसका फिर बैंड बाजा बज जाता है। गाइस क्या करें, अब दोस्त लोग को छोड़ भी नहीं सकते, अब क्या करें, यही है हालत। फटेरा फोन है, जितना पैसा कमाता है एक फोन नहीं खरीदता है। मोटा परे जयगाउँको पाखे भट्टीमा लोकल हान्ने बढी नै माते, मेरो पारा खङ्गोर बेसी तो से स्वीट लाइक चेरी अनमोल केसी यो नान्डी भाइ टाटा। अभी हम लोग डाँडा जा रहे हैं, क्या करेंगे? मस्ती। अभी हम लोग डाँडा जा रहे हैं, क्या करेंगे? धुलाई। अभी हम लोग डाँडा जा रहे हैं, क्या करेंगे? केरा खाएंगे। अभी हम लोग डाँडा जा रहे हैं, क्या करेंगे? रॉयला। रॉयला। अभी हम लोग डाँडा जा रहे हैं, क्या करेंगे? मस्ती करेंगे। सो दोनों का मस्ती। अभी हम लोग डाँडे में मस्ती भी नहीं, रेला भी नहीं, हम लोग फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग वो डाँडा पे जा रहे हैं, और वो डाँडा में जाने के लिए हम लोग को ये रोड वोट क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सो जा रहे हम लोग, रोड क्रॉस कर लिया मैंने टाटा। अ
अभी हम लोग ये डांडा के दूसरे रास्ते बस स्टैंड से होके जा रहे हैं। सो आपने कभी देखा होगा दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उधर से आए थे और आ जाए दूसरे रास्ते होके। अरे जब भी डांडा चढ़ता हूँ ना एकदम सांस एकदम मुंह के सामने फूल के आ जाता है और सांस लेने में तकलीफ होता है। और वो लोग जा रहे वो सुसु कर रहे उधर दिखा दो क्या प्रेम भाई ले भोसड़ी के बेटे ओ बेटा मौज कर दी मौज कर दी वाह बेटे वाह। आज हम जाएंगे इस रास्ते के डांडा जो कि ये दूसरा डांडा वही सेम माउंटेन का है वो भी ले लॉस समझ रहे ना। जैसे कि मैंने बोला था अभी हम लोग दूसरे डांडा पे यहाँ से जा रहे हैं। सो पहले का वो वीडियो था वहाँ का वीडियो था वो आप लोग देख सकते हैं। हेलो ब्रो मैं तो जा रहा हूँ। हाँ क्या मैंने इतने पैसा कमाने बना ओ हो वो नाइस हाउस ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल और पता नहीं ऐसे तरीके से बनाते पहाड़ में ना किया बहुत ही अच्छा और सुंदर और सुशील। और वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो भूटान के भूटान का आधा रास्ता आधा भूटान का आधा जंगल है वो बहुत ही अच्छा है। सो हम लोग आ चुके कहाँ पे नेपाल ये इंडिया ये पाकिस्तान भूटान जापान का राजा किम जोंग खंग कुछ कहना चाहते हो? हम कहना चाहता हूँ बहुत थक गया हूँ यहाँ पर आराम कर रहा हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ पत्थर वत्थर बड़ा बड़ा बहुत सारा है। प्रेम सर का हालत बहुत खराब हो गया है ठीक है पसीना बहुत आ रहा है क्या करें रुमाल भी नहीं लाया। अभी हम लोग जा रहे उधर क्या होगा कि रास्ता खराब है सो वी कैन गो फ्रॉम हियर कम करना पड़ेगा शायद मेरे को ये मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही सुनसान और बहुत ही मस्त और ये दोस्तों के साथ घूमना इतना बढ़िया लगता है ना गाइस कि मत पूछो भाई जब किसी के पास गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो दोस्ती तो काम आएंगे ना। अरे यार ये तो मन की बात से यार तू तो यार ये है झरना पार्ट टू जो झरना है उधर देखो मैं इसका पार्ट टू है ये और इधर इधर से हम जम करने वाले मतलब मैं जम करने वाला ठीक है तुम आ रहा है उठाओ बैग 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 दे तुम बोलो जाओ बैग तो मत छोड़ो नाउ माय ट्रंक यू थिंकिंग ए गाइस कम ऑन यू कैन डू इट यार ओह नो हम लोग वहाँ से आ चुके हैं वहाँ से हम लोग यहाँ ये पूरा खाली ये फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं। शायद आपको ये नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि ये तो कैमरे के पीछे था पर कोई नहीं देख लिया कैसा लगा? बहुत बढ़िया कुछ तो ये नहीं इतने 7 साल के बाद इतने घरे जंगल के आईलैंड में हमें मिला है चटपटी खाने के लिए चटपटे हाँ चटपटे जो कि बन रहा है यहाँ पर बहुत ही मशहूर चटपटे बन रहा है। हाँ डांडा गांव का बहुत ही बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चटपटे बन रहा है। सो आज का स्पॉन्सर है वन ऑफ द बेस्ट फेमस हमारे फुरबा चुस्ते कैसा है पूरा मुख भरा राल निकल रहा है
सो गाइस आज मैं डाड़ा गांव का सबसे फेमस चटपटी टेस्ट कर झालमुरी टेस्ट करने जा रहा हूँ। सो देखेंगे कैसा है। गाइस मेरे मुंह के अंदर आग लग रहा है, आग बहुत अच्छा है। झालमुरी जैसे कि झालमुरी बन चुका है, देखने में बहुत ही तीखा लग रहा है और मुझे बहुत तीखा पसंद है। मैं ट्राई करता हूँ पहले थोड़ा बड़ा बाइट। आजकल मुकबांग नहीं है ना, सो चटपटे मुकबांग करना पड़ेगा। नहीं तीखा तो है पर अभी हुआ नहीं। खत्म कर रही है। नहीं मैं खाता तो नहीं है। खाता नहीं लेकिन खत्म कर रही है। रोमांटिक पर्सन जो भी घूमने आते हैं यहाँ पे डाड़ा में, एटलीस्ट डू विजिट चटपटे। यहाँ चटपटे बहुत ही अच्छा चटपटे। ओके आ चुके हैं हम लोग ऊपर। अब यहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे, जो भी करेंगे पर मस्ती ही करेंगे। किसी को है बनाया है किसी के लिए, रब का इशारा मांगो मैंने ही खुदा के लिए, तेरा मेरा मिलना है रब का इशारा मांग के लिए, रावनु इच्छा जाग्यो डूबी है ना इच्छा जाग्यो जिंदगी है सुहाना कल क्या देखा है जाना। सो गाइस हम लोग बहुत ही बोर हो चुके हैं। सो अभी हमारा तरीके सो गाइस हम लोग बहुत ही बोर हो चुके हैं। सो हम लोग का वहाँ पे गिटारिस्ट सिंगरिस्ट वहाँ पे हमारा जयगांव का मोस्ट फेमस सिंगर लोग बैठे हैं। सो वो लोग गाना गिराने के लिए मैं बोलूंगा। एक्सक्यूज मी आप लोग गाना गाते हो ना? नहीं। सो अभी आप लोग कौन सा गाना गाने वाले? सॉन्ग। कौन सा गाना? कौन सा ब्रो हम गाना गा के फाड़ देंगे आप गाना को। एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जीने, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। ओके गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं फिर टाइफो खाने के लिए, बहुत ही भूख लग रहा है और अभी डाड़ा में कुछ कोई नहीं है अभी उतना। सो हम लोग निकल रहे हैं।
भारत में तो की जय। ये बंदर लोग पूरा हल्ला करते हैं, ओह माय गॉड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जयगांव का पूरा, यहाँ से ये पहाड़ से पूरा जयगांव का पूरा माउंटेन दिख जाता है, इतना सुंदर। इतना नाइट में अभी लाइट उजाला नहीं हुआ कितनों के घर पे, सो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पर ये जो है ना पूरा खूबसूरत से भरा हुआ है हमारा जयगांव। पर कभी कभी रास्ते पे गंदगी थोड़ा खराब लगता है, पर कोई नहीं, आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। देख सकते हैं आप लोग हवा पूरा मस्त आ रहा है, किसी का कौन पाद मारा रे। और यहाँ पे बच्चा लोग थोड़ा खेल रहा है, आप लोग देख सकते हैं बच्चा लोग, ओ माय गॉड, यहाँ से दौड़ रहा है, वहाँ से दौड़ रहा है, दौड़ो दौड़ो। हाँ चल के जाना तो मुश्किल है, कूदना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, गिर जाऊंगा, अरे भाई बचा लो। फाइनली गाइस आज हम लोग आ गए हैं टाइपो खाने। सो ओके गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं टाइपो खाने के लिए, बहुत ही भूख लग रहा था। सो आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, आई लव यू, गुड नाइट, गुड टू सी यू, बेड नाइट, जय हिंद।